आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद और एक ही एक बार करने के बाद आपको लगेगा कि अब मैंने जो सोचा था वो रुका हुआ काम हो गया, मैंने जो सोचा था वो फंसा हुआ पैसा आ गया, मैंने जो सोचा था वो पैसा मेरे को जिसको देना था वो मैंने दे दिया, जो मैंने चीज़ सोचा वो मैंने खरीद लिया। इन सब का कारण दो होता है जो हमारे काम नहीं होते हैं, एक तो हमारे ग्रह दशाएं, दूसरे हमारे जन्मांतरों के पाप। इन पापों से ऊपर निकलने के लिए कुछ प्रायश्चित ऐसे बताए शास्त्रों में जिसको गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार के दुख दुविधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको इस चीज को एक ही बार करना है, लेकिन लाभ अनंत है, बहुत सरल उपाय है। आप इसको करके कुल देवता को प्रसन्न कर पाएंगे, जन्म जन्मांतरों से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो पितृ हुए हैं वो पितृ देवता खुश हो जाएंगे, हर प्रकार के नवो ग्रह खुश हो जाएंगे, कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को ज्योतिष समझ नहीं पड़ने से क्या दशा चल रही है, क्या पीड़ा चल रही है, क्या कष्ट हो रहा है, क्या संकट हो रहा है, ये उनको समझ नहीं पड़ता है। इसलिए जिनको ये समझ नहीं है वो भी इस उपाय को करने से कैसा भी ग्रह दशा हो, शनि की क्रूर दशा हो क्या, मंगल की वक्र दशा हो क्या, कोई पीड़ा दशा हो, सब दशा से वो मुक्त होगा। घर में शांति भी होगी, बच्चों में प्रेम भी होगी, पत्नी भी आपकी अपने घर को संभालने वाली पूर्ण गृहिणी बन के सेवा करेगी, कहाँ जाओगे वहीं यश कीर्ति मिलेगा, काम में तरक्की होगी, नाम होगा समाज में, रिश्तों में प्रेम होगा। इतना पावरफुल एक आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत सरल है। कोई भी रविवार के दिन एक पीतल का परात लीजिए, रविवार के दिन पीतल का परात लेके थोड़ा चावल उसमें भर लीजिए, और पीने वाला नारियल पानी जो पीते हैं वो नारियल वाला नारियल एक उठाइए, वो नारियल को छिलवा दीजिए और छोटा सा ऊपर से छेद भी कर लीजिए, थोड़ा पानी बाहर निकाल दीजिए नारियल से, पानी उसमें बाकी का रहन दीजिए, एक पाव पाती पानी निकाल करके बाकी पानी अंदर रहन दीजिए, और उसमें नव धान्य डालिए। नव धान्य आप दुकानों में पूछेंगे, नव प्रकार के धान्य जो नव ग्रहों के प्रतीक होते हैं, गेहूं सूर्य का है, मूंग बुध का है, ऐसे काला उड़द शनि का है, ऐसे नव दान दुकान में देते हैं नव ग्रहों के। ये नव ग्रहों को एक मुट्ठी भर के मिक्स करके लाइए जिसमें नवों ग्रह के नव धान्य होने चाहिए। दुकान में आप पूछेंगे तो वो पलसारी दुकान वाले खुद देते हैं, नव धान्य आपको बोलना है, ऐसे बोलने मात्र से वो देते हैं। आप एक मुट्ठी भर के लाके जिस नारियल के पानी में से नारियल निकाला, जितना पानी निकाला उतना दान उसमें भर दीजिए। पानी इसीलिए निकाला कि ये दान अंदर जा सके, आपको बता दूं इसलिए हमने पानी निकाला, पानी थोड़ा सा निकाला ताकि मुट्ठी भर दान अंदर जा सके। वो दान अंदर डाला, ऊपर दो पान रख दीजिए, डंडी वाली पान ऊपर डंडी वाली होनी चाहिए, दो पान ऐसे सीधा ऊपर रख दिया, उसके ऊपर एक दीपक रख के बत्ती डाल के घी भर के एक दीपक कीजिए, और ये दीपक को उस नारियल पानी के ऊपर रखे हुए पान के ऊपर रखना है, इसलिए नारियल पानी का वो छेद छोटा करना है, वो छेद को छोटा करना ताकि दीपक आराम से रख सकें, बहुत बड़ा छेद करोगे तो दीपक अंदर घुस जाएगा, इसलिए छोटा छेद करना, ऊपर दो पान रखना, उस पर एक दीपक रखना। अब ये परात को आपके पूजा कमरे में, अगर पूजा आले में रख सको, इतना बड़ा आपका पूजा का स्थान हो तो उधर ही रखिए, या नीचे एक पाट रख के उधर रखिए, पूर्व मुखी दीपक होना चाहिए, छोटा सा परात जिसमें चावल इसलिए भरा के वो नारियल पानी का वो नारियल खड़ा हो सके, इसलिए हमने चावल भरा है, वो चावल के ऊपर नारियल इसलिए रखा कि वो चावल से नारियल खड़ा हो सके। पहले ही हमने उसको छील के थोड़ा पानी निकाल दिया, नव धान्य भर दिया, उसके ऊपर दो पान रख दिया, उस पर दीपक रख दिया, दीपक की बत्ती पूर्व दिशा में है, उसको
उधर रखने के बाद जलाना है। अब सामने कुल देवी हो, इष्ट देवता हो, सबके सामने सबको प्रार्थना करके मेरी उधारी चुक जाए, मेरे फंसे हुए पैसे आ जाएं, मेरे घर की तकलीफ मिट जाए, मेरा बीमारी मिट जाए, मेरा खुद का घर बन जाए, मेरा काम हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, जो जो आपको मन में इच्छा हो वो प्रार्थना करके ये दिया रविवार को जलाना है। फिर रविवार से शनिवार तक उसको वहीं रहने देना, खाली दीपक को रोज उठा के नया दीपक पा रख देना, वो नारियल वहीं रहेगा, उसमें पानी और वो दान वहीं रहेंगे। 8 दिन तक आप, यानी रविवार से शनिवार तक 7 दिन आपने 7 दीपक किया, जब दीपक पूरा जल गया तो आपने उठा के उसको फेंक दिया, वापस यूज नहीं करना है। और बाद में रविवार को सुबह इसको उठाना है, यानी 7 दिन रविवार से शनिवार तक, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक आपने 7 दीपक किया, 8वें दिन रविवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 12 मिनट में सूर्य हो रहा है, में आपके गांव में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है आप चेक कर लीजिए, उससे 12 मिनट में ये नारियल को कुल देवी को इष्ट देवता को प्रार्थना करके उठाइए। अब अंदर देखेंगे तो ये नवग्रह के दान जो नारियल पानी में डाला, ये सभी दान अंकुरित हो चुके होंगे, यानी उग चुके होंगे अंदर से, ज्यादा उगे होंगे थोड़ा उगे होंगे लेकिन जरूर उग गए होंगे। ये जो नव धान्य उगे हैं, नवो ग्रहों की कई पीढ़ियों की बाधाओं को निवृत्त करने वाली है, पितृ दोषों से मुक्त करने वाली है। जो जो दान उगा है नारियल के पानी में और ऊपर दीपक जल के, ये इस प्रकार का प्रयोग है, जो अंदर नारियल पानी में जो नव दान उगे हैं और ऊपर से दीपक जला है, अपने पिछले जन्मों के श्राप पाप से मुक्त करके हमें आगे के जीवन को पूर्ण रूप से समृद्ध और सुखी बनाने वाला प्रयोग है। प्रयोग जीवन में एक ही बार करने जैसा है लेकिन पूरे जीवन भर के लिए दरवाजा खोलने वाला प्रयोग है। इसका उपयोग आप बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से करके इस प्रयोग का पूर्ण लाभ आप लें। ये ऐसा प्रयोग है जिसको करने के बाद बच्चों की मनचाही पढ़ाई, घर में परिवार में एकता, सुख शांति समृद्धि और सर्व प्रकार से सक्षमता, घर में वास्तु दोष हो तो उसका निवारण, कोई भूत प्रेत बाधा मंत्र तंत्र का टोटका का परेशान हो तो उसका निवारण, किसी भी प्रकार के असाध्य रूप से मुक्ति आदि सब होती है, क्योंकि ये एक ही प्रयोग इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता को प्रसन्न करने वाला भी है और साथ साथ अनेक जन्मों के श्रापों से पितृ दोषों से मुक्त करने वाला भी है और ग्रह दशाओं की पीड़ा से बिना कोई दूसरे परिश्रम और कोई उपाय ठीक करने वाला भी है। इस प्रयोग को करके आप हर व्यक्ति आनंदित हों और मंगल पाए, यही मंगल कामना करता हूँ। जय माँ पद्मावती। नमामि गंगे नमो वाराणसी। काशी की पावन भूमि, हर व्यक्ति का मंगल का महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहाँ पहुँचने के लिए विश्व का सभी व्यक्ति कभी न कभी वहाँ दर्शन करो ऐसे भावना पाए, ऐसे क्षेत्र की अपने आप में महिमा है। शास्त्र भी कहता है कि आप घर में एक दीपक करो, या नदी किनारे एक दीपक करो, या पहाड़ के ऊपर बैठ के थोड़ी साधना करो, या पर्वतों में जाकर के आराधना करो, या कोई वन में जाकर के पूजा करो, या कोई विशेष क्षेत्रों में जाके साधना करो, इन सबको 1 से 100 गुना 1000 गुना 1,00,000 गुना 1,00,000,000 फलदायी बताया है। वैसे साधना में अगर सभी प्रकार से दिव्योत्तम हो तो वह काशी क्षेत्र है, क्षेत्र से भी सर्वोत्तम नदी में गंगा, यहाँ उत्तरमुखी होके बहने वाली दिव्य गंगा अति विशेष रूप से सर्वोत्तम है, जहाँ आकर के दुनिया का हर व्यक्ति एक बार डुबकी लगा के अपने आप को सर्वोत्तम पुण्यशाली मानता है। ऐसे पावन काशी में आप भी पहुँचे हमारे भैरवाष्टमी के अष्ट दिवसीय महा उत्सव में। 16 तारीख नवंबर को भैरव का जन्मदिन यानी भैरवाष्टमी महोत्सव को पूरा विश्व हर्षोल्लास से मनाएगा, लेकिन काशी के कोतवाल भैरव काशी में सर्वोत्तम प्रसन्नता के साथ भक्तों का आशीर्वाद देंगे। ऐसे काशी नगरी में हमारे इस काशी के दिव्य उत्सव में अष्ट दिवसीय आराधना में 9 नवंबर से 16 नवंबर तक
8 दिन तक रोज गंगा की मिट्टी से बनी भैरव की 13,500 मूर्तियां हर दिन बनते बनते अंतिम दिन जब भैरवाष्टमी आएगी 1,08,000 भैरव की मूर्तियां निर्मित हो चुकी होगी और ये सभी मूर्तियां भक्त अपने हाथों से ढांचे से बनाएंगे और बड़े प्रेम से भैरवनाथ की विश्वनाथ की जय जयकार करते हुए जब 1,08,000 मूर्ति 8 दिन तक निर्मित होगी। हम देखते हैं कि कहीं कहीं कथाओं से लोग पुण्य लेते हैं, कहीं कहीं यज्ञ से लोग पुण्य लेते हैं, कहीं कहीं पूजा से लोग पुण्य पाते हैं, कहीं कहीं भंडारा करके पुण्य पाते हैं, लेकिन जब ये सभी काम एक साथ कहीं हो जाएं तो वो पुण्य करोड़ गुना फलदायी हो जाएं। क्षेत्र से तो काशी सर्वोत्तम है ही और यहाँ जो भैरव आराधना किया जाए हर दुख की मुक्ति का वो साधन बन जाए, ऐसे दिव्य आराधना क्षेत्र काशी में 9 नवंबर से 16 नवंबर तक 8 दिन तक 1,08,000 भैरव की मूर्तियों के साथ साथ 100 फुट के विशाल भैरव की मूर्ति दर्शन आराधन के लिए रखी जाएगी, जो विश्व में पहली बार 100 फुट के भैरव के मूर्ति की दिव्य शक्ति भक्तों को 8 दिन तक अनवरत आशीर्वाद देगी। इसके अलावा पूर्व दिशा में 9 फुट के असितांग भैरव, अग्नि दिशा में 9 फुट के रुरु भैरव, दक्षिण दिशा में 9 फुट के चंड भैरव, नैऋत्य दिशा में 9 फुट के उन्मत्त भैरव, पश्चिम दिशा में 9 फुट के क्रोधन भैरव, वायव्य दिशा में 9 फुट के भीषण भैरव और उत्तर दिशा में 9 फुट के कपाल भैरव और ईशान दिशा में 9 फुट के संहार भैरव और मंच पर 11 फुट के महाभैरव भैरवी माता को गोद में लेके विराजमान होंगे। इस विशाल पंडाल में रोज सुबह में 13,500 भैरव की गंगा मृतिका से बनी दिव्य प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा युक्त पूजा होगी। जब अंतिम 8वें दिन 1,08,000 मूर्तियां बन जाएगी, 1,08,000 पुष्पों से 1,08,000 दीपकों से 1,08,000 मिठाइयों से उनकी पूजा होगी। बोलना बड़ा आसान है, जब वो दृश्य को कोई देखेगा तो खुद को धन्य मानेगा कि ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में देखा है। 100 फुट के विशाल भैरव के समक्ष 1,08,000 भैरव हो और 8 दिशा में 8 भैरव हो, मंच पे महाभैरवी को गोद में लेके स्वयं भैरवनाथ विराजे हो और स्वयं काशी का क्षेत्र हो जहाँ भैरव ही कोतवाल हो और साथ साथ रोज पूजा के साथ दोपहर में भैरव के ऐतिहासिक कथा जिसमें भैरव का संपूर्ण अवतार से लेके भैरव की महिमा तक पूरी जानकारी कथा के रूप में मंत्र प्रयोग और उनकी साधना विधि भी कथा के रूप में जब प्रस्तुत होगी सुनने वाला धन्य धन्य बनेगा। उसके बाद शाम में विशाल हवन कुटीर जो दिव्य रूप से बना होगा, दक्षिण से आए हुए 30 विद्वान पंडित 9 कुंडों में भैरव महायज्ञ भैरवाष्टमी के दिन पूर्णाहुति के साथ जप करेंगे, जिसमें पड़ेंगे हजारों किलो बादाम, पिस्ता, मेवा, घी, इलायची, द्राक्ष, औषधियां और अनेक प्रकार के वस्तुएं, हजारों किलो इस 9 कुंड में 8 दिन में पड़ने वाले हैं। और इस विशाल यज्ञ के बाद शाम को होगा बड़े बड़े कवियों का कवि सम्मेलन। आपने हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का नाम सुना होगा, वीर रस के कवि हरिओम पवार का नाम सुना होगा, अरुण जैनी का जैमिनी का नाम सुना होगा, ऐसे सुरेंद्र शर्मा जी से लेके हरिओम पवार से लेके बड़े बड़े लक्का जी जैसे संगीतकार से लेके दुनिया भर के लोग यहाँ रात में उपस्थित होंगे, जिनकी भक्ति संगीत को सुनने से हमारे रोम रोम भैरव के प्रति समर्पित होगा और हमारा जीवन भी धन्य बनेगा। सुबह में होगी पूजा 1,08,000 मूर्तियों की 8 दिन तक, दोपहर में होगी कथा, शाम में होगी यज्ञ, रात में होगा भक्ति भजन और दिन भर विविध आयोजन के साथ साथ काशी के हर एक नगरवासी जो आना चाहे, भक्त, महंत, साधु, संत, यात्री जो काशी में हर दिन हजारों की तादाद में आते हैं, इन सब के लिए विशाल भंडारे का आयोजन। इस भंडारे में अति विशाल राजशाही विशाल भंडारे में 2 मिठाई, पूरी, रोटी, 2 सब्जी, 2 नमकीन, भुजिया, कचौरी और दाल चावल पापड़ के साथ
सब बैठा के भोजन कराया जाएगा, जहां अन्नपूर्णा माँ स्वयं बैठ करके हर व्यक्ति का पेट भरती हो, उस काशी में भंडारा करने का अपने आप में आनंद अलग ही है और उसका मजा अलग ही है। आप इस भंडारे में सहयोग कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ताकि ये भंडारा विशाल रूप से लाखों को तृप्त करने वाला, अन्नदान का पुण्य बढ़ाने वाला और मंगल करने वाला बने। आप सब लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। काशी में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ घाटों पर दीप दान बहुत होता है और भैरव का दीप दान व्यक्ति के हर संकट को, रोग को, कष्ट को मुक्त करके, संकट से मुक्त करने वाला है। तो ऐसा भैरव देव का दिव्य दीप दान आप, हम 1,08,000 दीपक से कर रहे हैं, तो आप कम से कम 100 दीपक या 800 दीपक अष्ट भैरव के नाम से दीप दान करके दीप दान का पुण्य भी कमा सकते हैं। 100 दीपक जलाने के लिए 1,000 रुपया, शुद्ध घी के 100 दीपक आपके नाम से जलाए जाएंगे और 8,000 रुपये में 800 दीपक आठों भैरवों के नाम से जलाए जाएंगे। इस प्रकार से भी आप लाभ ले सकते हैं और 51,000 रुपया या उससे अधिक देने वालों के 2 नाम, गांव और राज्य इस महोत्सव के परिसर में बाहर बड़े अक्षरों में लगाया जाएगा। जो भी 51,000 रुपये से ज़्यादा राशि इस भंडारे के लिए सहयोग करेंगे, वो 2 नाम, गांव और राज्य का नाम उधर लगाया जाएगा। वो लोग भी लाभ ले सकते हैं जिनको भंडारे में बड़े रूप से सहयोग करना, क्योंकि काशी में अन्नदान स्वयं का पुण्य को बढ़ाने वाला बनेगा। दीप दान भी सर्वोत्तम लाभकारी है और जो गाँवों में इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटे छोटे बड़े गांवों में, हमको भी काशी पहुंचना महाराज, हम भी सेवा करना चाहते हैं, तो भंडारे में सेवा करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। अगर गांव में आपका युवा मंडल हो, आपका कोई विशेष समिति हो जो ऐसे भंडारों में, धार्मिक कार्यों में सेवा करके आपको अनुभव हो, तो आप लोग अपने पूरा टीम लेके काशी पहुँचें और यहाँ आकर के भंडारे में सेवा करने, यज्ञ कुटीर आदि में सेवा करने का लाभ आप बहुत सुंदर रूप से ले सकते हैं। जो गांवों के युवा मंडल है और जो भी समितियां, धार्मिक समितियां हैं, उनको मैं निवेदन करता हूं कि विश्व विराट, विश्व में पहली बार होने वाली 1,08,000 भैरव मूर्ति पूजन और भैरवाष्टमी निमित्त अष्ट दिवसीय भंडारा यज्ञ पूजन कथा आराधना में आप सब यहाँ पहुँच करके आराधना में लाभ लें। काशी के नगरवासी हो, संत महंत, गरीब बड़े छोटे कोई हो, या आए हुए यात्री हो और हमारे भक्त, सबके लिए विशाल भोजन भंडारे का आयोजन है। इसमें सेवा करने के लिए जो पूरी समिति या कमिटी या टीम लेके या मंडल लेके आना चाहते हैं, वो लोग 9051390513 पर अपना पूरा डिटेल भेजें। यहाँ पर से स्वीकृति मिलने के बाद आप सब सेवा में पहुँच सकते हैं और जो लोग सेवा टीम लेके, मंडल लेके आते हैं, वो आराम से यहाँ पर सेवा पूजा कर सकते हैं। और जितने भी भक्त काशी में 8 दिन इस आराधना में भाग लेना चाहते हैं, सिर्फ 1,000 रुपया भरने से उन सबको यज्ञ में बैठ के यज्ञ पूजा देखने की अनुमति दी जाएगी और पूजा में भैरव मूर्ति स्वयं निर्माण करने का अनुमति दिया जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम का भोजन उनको व्यवस्थित दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उनको अपनी करनी पड़ेगी, जो भी आ रहे हैं यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था उनको अपनी खुद की करनी है। बाकी जो 8 दिन यहाँ रह के सेवा करेगा, बहुत अच्छा बड़ा दिव्य धातु से बना हुआ विशाल भैरव यंत्र, जिस पर 8 दिन तक 8 सिद्धियों से सिद्धि की जाएगी। एक एक दिन तक समृद्धि सिद्धि, आकर्षण सिद्धि, वशीकरण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण और उच्छाटनादि सिद्धियों से भरपूर वो दिव्य यंत्र निशुल्क जितने 8 दिन तक बाहर से आए हुए भक्त यहाँ ठहरेंगे उनको दिया जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपया भरने से, 8 दिन रह के आराधना करने से, यज्ञ में बैठने, पूजा में बैठने, 8 दिन तक 3 टाइम भोजन करने और दिव्य यंत्र को घर ले जाने का पूरा लाभ दिया जाएगा। ये मात्र इसलिए ले रहे हैं कि निशुल्क आप कोई भी कार्य को करोगे तो वो आपको सिद्ध नहीं होगा। बाकी ये विशाल आयोजन में आप भंडारे में भी सहयोग करें और भंडारे में यथासंभव आपसे जितना हो सके, आपके हाथ से अगर 2 व्यक्ति का भी पेट भर जाए काशी में, तो आपका पुण्य तो अपने आप में बढ़ जाएगा और साथ में दीप दान का भी लाभ लें।
और काशी पहुंचे, ये आयोजन के बारे में जो बता रहा हूँ इसको मुंह से बोल के कोई समझ नहीं पाएगा। जब इस कार्यक्रम को देखेगा तो बोलेगा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कार्यक्रम ना तो हमने देखा है ना सुना है। ऐसा कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, जिसके साक्षी बन के भैरव देव के और काशी के भगवान पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, काल भैरव, बटुक भैरव और यहाँ के सभी देवताओं के साथ साथ गंगा मैया का आशीर्वाद कण कण में बहते देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग काशी पहुँचे और किसी भी हालत में हर काम छोड़ के काशी पहुँचे, क्योंकि काशी पहुँचना अपने आप में पुण्य और इधर पहुँच के इस बड़े आयोजन में भाग लेना, क्योंकि कहीं कहीं कथा ही चल रही है, कहीं कहीं पूजा हो रहा है, कहीं कहीं यज्ञ हो रहा है। इसमें पूजा भी होगी वो भी 108,000 भैरवों की, कथा भी होगी जिसमें सभी भैरवों की उत्पत्ति का अवतार का महिमा, और यज्ञ भी होगा जिसमें नौ कुंड में स्वयं भैरव होंगे और अष्ट भैरवों की साधना के साथ साथ 100 फुट के भैरव की आराधना पूजा और संध्या काल के भजन भक्ति तो अपने आप में खुद को धन्य कर देगी। इसलिए हर चीज से लाभ लेने का सर्वोत्तम अवसर आपके सामने है। सुबह से शाम तक इधर पानी की गंगा एक तरफ है और उधर भक्ति की गंगा एक तरफ होगी और उस भक्ति की गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सफल करने पहुंचो काशी और जीवन को सफल बनाओ। आज ही 9095139053 पर संपर्क करें और तुरंत अपना नाम आरक्षित करें और जितनी इच्छा हो उतना सहयोग करके भंडारे को सफल करें, जितनी इच्छा हो उतना दीप दान करके अपने जीवन को सफल करें। काशी का दीप दान आपके 21 पीढ़ियों के पाप से आपको मुक्त कर देगा। ऐसे दीप दान करके पुण्य कमाएं। आज ही काशी के लिए अपना टिकट आरक्षित करें, कॉल करें 9051390513 पर। जय मां अन्नपूर्णा।